दोस्तों दुनिया की किसी भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में वेल डिफाइंड हैरार की मौजूद होती है और ये हैरार की रैंक्स के थ्रू डिफाइन की जाती है अगर आप भी फ्यूचर में इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का सपना रखते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम इंडियन आर्मी इंडियन नेवी और इंडियन एस के कमिशन ऑफिसर्स की रैंक्स प्रमोशन क्राइटेरिया और सैलरी को देखेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें इंडियन आर्मी की रैंक्स या उसके इक्विवेलेंट रैंक्स और उसके प्रमोशन क्राइटेरिया को जानने से पहले हमें इंडियन आर्मी के प्रमोशन सिस्टम को जानना काफी जरूरी है तो देखिए पीस एंड फील्ड एरिया में इंडियन आर्मी ऑफिसर या तो सब्सटेंटिव प्रमोशन और या तो एक्टिंग प्रमोशन के लिए एलिजिबल होता है अगर हम इंडियन आर्मी में टाइप्स ऑफ प्रमोशन की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं सब्सटेंटिव प्रमोशन या लोकल रैंक जिसे एक्टिंग प्रमोशन बैटल फील्ड प्रमोशन या फील्ड प्रमोशन के नाम से भी जाना जाता है इसमें फील्ड एरिया या ऑपरेशन के दौरान ज़रूरत पड़ने पर ऑफिसर को प्रमोट किया जा सकता है अगर ऑफिसर एक्टिंग प्रमोशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो और एक्टिंग प्रमोशन के क्राइटेरिया को हम वीडियो में आगे देखेंगे उससे पहले हम बात करते हैं सब्सटेंटिव प्रमोशन की

कर्नल या उससे ऊपर की रैंक्स को दिया जाता है जिसमें आर्मी ऑफिसर्स को उनकी मेरिट और अवेलेबल वैकेंसीज के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है अगेन इसमें भी ऑफिसर को एलिजिबिलिटी और नेसेसरी एग्जाम को क्लियर करना मैंडेटरी होता है अब क्योंकि हमें इंडियन आर्मी के प्रमोशन सिस्टम का बेसिक आइडिया लग गया है तो चलिए अब वाइज इसको अच्छे से समझते हैं और साथ ही दूसरी सर्विस के इकोवेलेंट रैंक्स को भी कवर करते हैं की ट्रेनिंग से कैडेट्स को कमीशन दिया जाता है इन दी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी इन दी रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट इन इंडियन नेवी और इन दी रैंक ऑफ फ्लाइंग ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स रिस्पेक्टिव सर्विस में किसी भी कमीशन ऑफिसर को दी जाने वाली ये फर्स्ट रैंक है अगर इनके रैंक इंसिग्निया की बात करें तो लेफ्टिनेंट रैंक का इंसिग्न है टू स्टार्स ऑन दी शोल्डर लेफ्टिनेंट को कमीशन किया जाता है एट पे लेवल जो है थाउजेंड फाइव हंड्रेड लेफ्टिनेंट सब लेफ्टिनेंट एंड फ्लाइंग ऑफिसर के बाद जो रैंक आती है वो है कैप्टन इन इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट इन इंडियन नेवी फ्लाइट लेफ्टिनेंट इन इंडियन एयरफोर्स अगर इनके रैंक इनसेग्निया की बात करें तो कैप्टन रैंक का इंसिग्निया है थ्री स्टार्स ऑन स्टार शोल्डर दो साल की सर्विस के कंप्लीट होने के बाद ही लेफ्टिनेंट एलिजिबल होते हैं फॉर प्रमोशन टू कैप्टन इनका पे लेवल है टेन बी दुपीज सिक्सेंड थ्री हंड्रेड टू वन लैक नाइन थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड रिस्पेक्टेड सर्विस में इसके बाद जो रैंक्स आती हैं वो है मेजर लेफ्टिनेंट कमांडर एंड स्क्वाड्रन लीडर अगर इनके रैंक इंसिग्निया की बात करें तो मेजर रैंक में बस एक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह या राष्ट्रीय चिन्ह मौजूद होता है छे साल की सर्विस के कंप्लीट होने के बाद ही ऑफिसर एलिजिबल होता है फॉर प्रमोशन टू मेजर रैंक इनका पे लेवल है इलेवन दैट इज रुपीज सिक्सटी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड टू टू लैक सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड इसके बाद जो रैंक्स आती है वो है लेफ्टिनेंट कर्नल कमांडर एंड विंग कमांडर अगर इनके रैंक इन की बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक में एक राष्ट्रीय चिन्ह के साथ एक स्टार भी मौजूद होता है तेरह साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद ही ऑफिसर एलिजिबल होता है फॉर प्रमोशन टू लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक इनका पे लेवल होता है ट्वेल्व ए दैट इज रुपीज वन लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड टू टू लैख ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड को फॉलो करते हुए रिस्पेक्टिव सर्विस में जो नेक्स्ट रैंक्स आती है वो है कर्नल इन इंडियन आर्मी कैप्टन इन इंडियन नेवी एंड ग्रुप कैप्टन इन इंडियन एयरफोर्स अगर इनके रैंक इंसिग्निया की बात करें तो कर्नल रैंक में एक राष्ट्रीय चिन्ह के साथ दो स्टार भी मौजूद होते हैं अब जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि स्टेंटे प्रमोशन दो तरह की होती है दैट इज टाइम स्केल एंड सिलेक्शन ग्रेड। तो टाइम स्केल प्रमोशन के अकॉर्डिंग 26 साल की सर्विस के कंप्लीट होने के बाद ही ऑफिसर एलिजिबल होता है फॉर प्रमोशन टू कर्नल रैंक वही सिलेक्शन ग्रेड के अकॉर्डिंग ऑफिसर की मिनिमम 15 साल की सर्विस के कंप्लीट होने के बाद ही वो एलिजिबल होता है फॉर प्रमोशन टू कर्नल रैंक कर्नल रैंक के आगे सभी प्रमोशन सिलेक्शन के बेसिस पर ही किए जाते हैं और जैसे जैसे रैंक ऊपर जाती है सिलेक्शन रेशो काफी कम हो जाता है ड्यू टू लिमिटेड वेकेंसी तो अब नेक्स्ट रैंक है ब्रिगेडियर कॉमोडो एंड एयर कॉमोडो

जो है मेजर जनरल इन इंडियन आर्मी रियर एडमिरल इन इंडियन नेवी एंड एयर वाइस मार्शल इन इंडियन एयरफोर्स इनके रैंक इन की बात करें तो मेजर जनरल रैंक में क्रॉस बैटन एंड चेबर पर एक स्टार मौजूद होता है पच्चीस साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद ही ऑफिसर एलिजिबल होता है फॉर प्रोमोशन टू मेजर रैंक जनरल वही जैक डिपार्टमेंट ऑफिसर के लिए ट्वेंटी फोर ईयर है इनका पे लेवल होता है 14, दैट इज रुपीज वन लैक फोर्टी फोर था टू हंड्रेड टू 2 इसके बाद आती है थ्री स्टार रैंक जो है लेफ्टिनेंट रैंक जो है लेफ्टिनेंट जनरल इन इंडियन आर्मी वाइस एडमिरल इन इंडियन नेवी और एयर मार्शल इन इंडियन एयरफोर्स अगर इनके रैंक इन की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक में क्रॉस्ड बैटन एंड पर एक राष्ट्रीय चिन्ह मौजूद होता है ऑफिसर एलिजिबल होता है फोर स्टार रैंक जो है जनरल इन इंडियन आर्मी एडमिरल इन इंडियन नेवी एंड एयर चीफ मार्शल इन इंडियन एयरफोर्स ये रैंक रिस्पेक्टिवली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ को दी जाती है अगर इनके रैंक इन की बात करें तो जर्नल रैंक में क्रॉस बैटन एनसेबर पर एक स्टार और एक राष्ट्रीय चिन्ह मौजूद होता है इसमें एज रिस्ट्रिक्शंस मौजूद नहीं है और इनका पे लेवल होता है 18 दैट इज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड फिक्सड अब अगर हम इंडियन डिफेंस फोर्सेज यानी इंडियन आर्मी नेवी इंडियन एयरफोर्स के रैंक स्ट्रक्चर को देखें तो इस हैरारकी में फील्ड मार्शल एडमिरल ऑफ़ द फ्लीट और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स रैंक सबसे ऊपर आती है जो रिस्पेक्टिव सर्विस की फाइव स्टार रैंक है और इस फाइव स्टार रैंक पर प्रमोट होना किसी भी ऑफिसर के लिए गर्व की बात है इंडियन आर्मी में अभी तक फील्ड मार्शल रैंक पर दो ऑफिसर्स को प्रमोट किया गया है और उनका नाम है सैम मनीक्षा एंड मड़प्पा करियप्पा अब अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स की तो अर्जुन सिंह मार्शल ऑफ द एयरफोर्स रैंक पर प्रमोट होने वाले पहले और इकलौते इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर थे वही इंडियन नेवी में अभी तक कोई भी इंडियन नेवल ऑफिसर को इस रैंक पर प्रमोट नहीं किया गया है फाइव स्टार रैंक होल्ड करने वाले सभी ऑफिसर्स को उनकी डेथ तक सर्विंग ऑफिसर्स ही कंसिडर किया जाता है और वो अपनी रैंक लाइफ टाइम के लिए होल्ड करते हैं और लास्ट में मैं ये भी आपको बता दूं कि सी यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फोर स्टार जनरल और इक्विवेलेंट ऑफिसर होता है ना कि फाइव स्टार रैंक ऑफिसर इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका लक्ष्य है एनडी एग्जामिनेशन को सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर करने का तो मैं आपको मिशन एनडीए बुक हाई रिकमेंड करूंगा जिसे प्रिपेयर करके आप आसानी से एनडी एग्जाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकेंगे इसके साथ ही 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू से आप 10 टू 15 क्वेश्चन अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अवेलेबल ऑन एमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट हमने अब तक देखा सब्सटेंटेड प्रमोशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और अब हम देखेंगे एक्टिंग प्रमोशन के क्राइटेरिया को तो देखिए कैप्टन पर एक्टिंग प्रमोशन के थ्रू प्रमोट होने के लिए कमीशन ऑफिसर की वन ईयर की सर्विस होनी मैंडेटरी है इसके बाद मेजर रैंक पर प्रमोट होने के लिए ऑफिसर की मिनिमम फोर ईयर की सर्विस होनी चाहिए जिसमें मिनिमम थ्री ईयर्स ऑफिसर ने फॉरवर्ड एरिया में सर्व किया होना चाहिए लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट है सेवन ईयर्स विद मिनिमम वन ईयर ऑफ सर्विस इन सब्सटेंटिव मेजर रैंक कर्नल रैंक पर प्रमोट होने के लिए ऑफिसर मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट है एट ईयर सिक्स मंथ्स विद मिनिमम ऑफ सर्विस इन द रैंक ऑफ मेजर एंड अबव ब्रिगेडियर रैंक पर प्रमोट होने के लिए ऑफिसर मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट है ट्वेल्व और लेफ्टिनेंट जनरल पर एक्टिंग प्रमोशन के थ्रू प्रमोट होने के लिए ऑफिसर की मिनिमम सर्विस रिस्पेक्टिवली ट्वेंटी फाइव ईयर्स होनी चाहिए तो ये थे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के प्रमोशन क्राइटेरिया लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे मिलते हैं अगली वीडियो में